हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू विल बी फाइन देयर सो वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नाइन इन यूर ई वी एस बुक सो द चैप्टर नेम इज माई स्कूल ओके सो लेट्स बी स्टार्ट मम्मी आई ऑल्सो वॉन्ट टू साइनाज स्कूल मम्मी आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू साइनाज स्कूल मम्मी मैं भी साइना के स्कूल जाना चाहता हूँ रोहन यू आर टू यंग तुम अभी बहुत छोटे हो यू विल गो टू स्कूल साइना प्राइमरी स्कूल स्कूल वेन यू ग्रो अप और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम साइना के स्कूल जा सकते हो अस्कूल इज अ प्लेस वी आर वी लर्न मेनी थिंग्स एक स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां पर कि हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं लाइक एज रीडिंग राइटिंग सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग क्ले मॉडलिंग एंड क्राफ्ट एक्टिविटी तो ये सारी चीजें हम कहा से सीखते हैं स्कूल से ओके नाउ लुक हेयर देयर आर मैनी काइंड ऑफ स्कूल्स वहाँ पर बहुत से स्कूल के प्रकार होते हैं प्री स्कूल्स इंक्लूड प्ले ग्रुप एंड किंडर गार्डन्स और जो प्री स्कूल होता है उसमें प्ले ग्रुप और जो किंडर गार्डन्स होता है वो दोनों शामिल होते हैं किसके अंदर आते हैं दोनों प्री स्कूल के अंदर यंग चिल्ड्रन गो दियर टू लर्न थ्रू प्ले वे मैथड और जो छोटे जो बच्चे होते हैं वो वहाँ जाते हैं टू लर्न में सीखने के लिए थ्रू प्ले बी मेथड, प्ले बी मेथड के माध्यम से वो वहाँ से सी, उन्हें सीखने के लिए छोटे जो बच्चे हैं वो जाते हैं मिस जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खेल के माध्यम से सिखाया जाता है प्री स्कूल प्रिपेयर दैम फोर फोर प्राइमरी स्कूल और जो प्री स्कूल होते हैं वो उनको प्राइमरी स्कूल के लिए तैयार करते हैं किन को तैयार करते हैं उन बच्चों को ओके जो प्ले ग्रुप्स और किंडर के जो बच्चे होते हैं वो किसके अंदर आते हैं प्री प्री स्कूल के अंदर आते हैं तो फिर उन बच्चों को वहां पर प्री स्कूल के लिए तैयार किया जाता है मीन्स उनको आ, आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें प्रोमोट करने के लिए उनको सिखाया जाता है ओके मींस जी नाउ स्टूडेंट्स लुक एट पेज नंबर फिफ्टी वन प्राइमरी स्कूल इज इज फ्रॉम क्लासेस फर्स्ट टू फिफ्थ जो प्राइमरी स्कूल होता है वो क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक होता होता है, है okay? ओके, और जो higher primary school होता है, वो class 6 से से तक तक होता होता है। वो 9 से और 10 तक की जो classes है और okay? और जो जो वो वो की होती हैं किसके अंदर आती हैं सेकेंडरी स्कूल के अंदर ओके नेक्स्ट हायर सेकेंडरी स्कूल इज फ्रॉम जो हायर सेकेंडरी स्कूल होता है उसमें नाइन्थ से सॉरी इलेवें टू तो ट्वेल्थ क्लासेस आती हैं ओके सो नाउ लुक हेयर गुड मैनर्स इन स्कूल स्कूल में अच्छे मैनर्स आवर गुड मैनर्स सो हाउ वी आर हमारे जो गुड मैनर्स होते हैं वो हमें दिखाते हैं शो करते हैं ओके क्या क्या शो करते हैं हाउ वी आर कि हम कैसे हैं मीन्स हाँ हमारे बारे में हम कैसे पता चलता है हमारे जो भी हम बिहेव करते हैं ओके गुड मैनर्स होते हैं उनसे पता चलता है कि हम कैसे हैं? आ, लेट्स नो अबाउट सम गुड मैनर्स वी नीड टू फॉलो इन स्कूल लेट्स नो कुछ आ, लेट्स नो जानते हैं अबाउट सम गुड मैनर्स कुछ अच्छे जो मैनर्स हैं उनके बारे में जानते हैं वी नीड हमें आवश्यकता होती है टू फॉलो इन स्कूल स्कूल में उनका अनुसरण करने की आवश्यकता होती है मिश फॉलो करना चाहिए जो स्कूल के अंदर हम आ, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो उसके बारे में हम आगे ट्रीट करेंगे ओके सो फर्स्ट इज डू नॉट मेक नोइज इन द क्लास क्लास के अंदर आवाज़ नहीं करें ओके मिश uh, क्लास में ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए डो नॉट पिक अप एंड कीप थिंग्स बिलोंगिंग्स टू यूर क्लासमेट्स और आपके जो क्लास क्लासमेट्स uh, हैं उनसे संबंधित उनकी जो चीज़ें हैं उनको ना तो उठाना चाहिए ना ही अपने पास रखना चाहिए डो नॉट बुली एंड चाइ एनी चाइल्ड सॉरी और जो uh, बच्चे हैं किसी भी बच्चे को चिड़ाना नहीं चाहिए बुली में सोता है चिड़ाना थोड़ा वेस्ट इन द डस्टबिन और जो कचरा होता है ओके okay, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए ऑलवेज विश यूर टीचर्स और हमेशा आपको अपने टीचर्स को विश करना चाहिए लाइक से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ओके बी पोलाइट टू एवरी वन इन स्कूल और हमें स्कूल में सबके साथ पोलाइट रहना चाहिए मिस विनम्र रहना चाहिए सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए ओके नाउ स्टूडेंट्स टन पे सेलिब्रेटिंग टूगेदर एक साथ मनाना बी सेलिब्रेट सम इम्पोर्टेंट डेज इन स्कूल और हम स्कूल में कुछ इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट करते हैं दीज आर एनुअल डे इनमें से एनुअल डे है स्पोर्ट्स डे है टीचर्स डे है एंड चिल्ड्रन डे है ओके okay? तो ये सारे हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं स्कूल के अंदर द स्कूल ऑर्गेनाइज कंपटिशन क्यूजस एंड गेम्स ऑन दीज डेज और जो स्कूल है वो इन दिनों में कंपटीशन है क्यूज़ है गेम है ये सब आयोजन करता है ओके कहाँ पर किया जाता है ऑर्गेनाइज स्कूल के अंदर द टीचर एंड चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ फन एंड एंजॉय देम सेल्व और जो टीचर और जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में बहुत ज़्यादा एक दूसरे मतलब इन्जॉय करते हैं ओके जो भी फेस्टिवल या जो भी आ, ज, आ, फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं स्कूल के अंदर तो इस सब का बच्चे और टीचर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं फर्स्ट पॉइंट इज ऑन स्पोर्ट्स डे वी टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स इवेंट और जो स्पोर्ट्स डे पर क्या करते हैं हम स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं वी हैव मैनी म्यूजिक एंड डांस प्रोग्राम ऑन एनुअल डे वी हैव मैनी म्यूजिक एंड डांस प्रोग्राम ऑन एनुअल डे और एनुअल डे पर हम क्या क्या रखते हैं म्यूजिक और डांस प्रोग्राम होता है ओके okay? बी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन फिफ्थ सितंबर एवरी ईयर और प्रत्येक वर्ष जो पाँच सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं बी ग्रीट एंड थैंक यू थैंक अवर टीचर्स ऑन दिस डे और इस दिन हम क्या करते हैं हमारे टीचर्स से मिलते हैं और उनको थैंक यू भी कहते हैं ओके okay? चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं सो स्टूडेंट वाई डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रन डे ऑन फोर्टीन नवम्बर आपको पता है फोर्टीन नवंबर को चिल्ड्रंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ऑफ ऑन दिस डे दर्थडे ऑफ चाचा नेहरू ओके okay. उस दिन चाचा नेहरू का बर्थडे होता है इस वजह से हम 14 नवम्बर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं एंड चाचा नेहरू लव चिल्ड्रन वेरी वेल वेरी मच सॉरी और जो चाचा नेहरू हैं वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे ओके सो गॉट इट नाउ वी आल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल लाइक इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एंड रिपब्लिक डे ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी एवरी ईयर और हम प्रत्येक वर्ष फिफ्टीन अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और ट्वेंटी सिक्स जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं ओके आ, दीज आर नेशनल फेस्टिवल ओके फिफ्टीन सॉरी इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे जो हमारे जो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे है ये क्या है नेशनल फेस्टिवल है इस वजह से ओके नेशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम ऑन बी हाउस देशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम ऑन दिस और इन दोनों हम क्या करते हैं जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसे लहराते हैं ओके हाउस मीन लहराना या फहराना और जो नेशनल एंथम है राष्ट्रीयगान उसको गाते हैं कौन सा है राष्ट्रीयगान जनगणमन ओके स्टूडेंट सो योर चैप्टर इज फिनिश ओके बाय so, okay, बाय